अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। कहते हैं कि चुप रहेगी जुबाने खंजर तो लहू पुकारेगा आस्तीन का, और मजदूर को उसका मेहनताना, उसका पसीना सूख जाने से पहले मिल जाना चाहिए। लेकिन ये समझता कौन है? आजकल तो बस अमीर अमीर, गरीब गरीब, अमीर का खून चूस के गरीब लोग, ये पिक्चरों में देखते हो। बाकी असली लाइफ में क्या होता है? अमीर लोग गरीबों का खून चूस रहे हर चीज़ में। और उसी में से एक जोमैटो, पहले एक आया था, फिर 10 आए थे, आज देखो कितने आ गए, आज देखो कितने आ गए हैं। ये सब पढ़े लिखे लड़के लोग हैं, हिंदुस्तान का फ्यूचर है। भले चाहे नरेंद्र मोदी बेचे बोले के पकोड़े बेचने से भी काम का चलता है, मानता हूं मैं चलता है, हमारे हिंदुस्तान का फ्यूचर क्या ये है? इतनी मेहनत करने के बाद ये लोग को ना अपनी मजदूरी मिल रही है, ना अपना पैसा मिल रहा है, ना इन्हें कुछ मिल रहा है, क्या हुआ बता? सर, कंपनी ने बकरीद के बाद इंसेंटिव चालू किया था, बंदे लोग को लालच दिया, वो हिसाब से बंदे काम कर रहे थे, धीरे धीरे कंपनी ने इंसेंटिव बढ़ा दिया, ज़्यादा ऑर्डर बढ़ा दिया और इंसेंटिव कम कर दिया, फिर भी लोग काम कर रहे थे। अभी लोग ऐसा काम कर दिया कि सर 12 घंटे में भी 15 ऑर्डर कंप्लीट होना मुश्किल है, तो कहाँ से सर कंप्लीट करेंगे? 24 ऑर्डर का टारगेट दिया है, नहीं होएगा सर। एक तो पेट्रोल इतना महंगा होते जा रहा है, हमारा पगार कम हो रहा है, सब कुछ कम हो रहा है, ऊपर से ऑफिस वाले से हम लोग बात करते हैं, अभी हमारे सतीश सर आए थे, उनसे बात किए, हम बोले सर 11 घंटा काम करेंगे, 20 ऑर्डर मिलेगा, आप गारंटी दोगे? तो बोलते हैं नहीं, हम नहीं दे सकते। कौन है सतीश? बेंगलोर के हेड है सर। अरे ओ सतीश भाई, बीवी बच्चे है कि नहीं तुम्हारे? माँ बाप है कि नहीं? इनका खून चूसोगे, भगवान तुम्हारा खून चूस लेगा, कहाँ जाओगे? ये इतने सारे लोग हैं, कहाँ कहाँ से रहते हो, कहाँ रहते हो तुम लोग? सब लोग आदर्श नगर तो क्या है, खुद जाओ ना जोमैटो में, इतने सारे लोग हैं, जहाँ मांग के नहीं मिलता छीन लो। ऑफिस पे कोई सुन ही नहीं रहा है सर? आज धमकी दिया है उसने। क्या धमकी दिया? मतलब छोकरे लेके आऊंगा, और फिर बोल रहा था कि डोंगर के लड़के लोग पहले रुमाल बेचते थे, अभी तुम लोग की औकात क्या है, ऐसा सब बोल रहा था। तो बता भाई साहब, क्या डोंगर के लोग खाली, हम लोग खाली मर्डर करे, चोरी करे, डाके डाले, काम धंधा नहीं करे? हम लोग 12-12 13वीं पढ़े लिखे लोग है, हम लोग के पास काम जोमेटो के राइडर बोल रहा था ऐसा, सतीश बोल रहा था, बोलते तुम लोग को कुछ समझ में आता नहीं क्या, रुमाल बेचते थे पहले, अभी हम लोग ने काम दिया है, ऐसा बोल रहे थे तुम लोग, इसमें दांत आ गए, तुम पहले तुम्हारी औकात क्या थी, स्टेशन पे तुम लोग रुमाल बेच रहे थे, अभी हम लोग ने जोमेटो वालों ने काम दिया। अबे सतीश, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे को हम रुमाल नहीं साले चड्डी और जांगिये बिछवा दे, ये गरीबों की हाई लगेगी तो कहीं नहीं जाएगा। ये वीडियो को मेरे यारों मेरे प्यारों शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, जो भी ये देख रहा है लाइक मत करना, तुम्हें कसम है इन गरीबों के खून की, इनके बच्चों की, इनके माँ बाप की, इसको शेयर मारना, ताकि ये जोमैटो का वीडियो पूरी दुनिया में पहुंचे, और ये कुत्ते लोग जाने कि इनका गरीबों का हक क्या होता है, इनको इंसाफ मिले। मेरे यारों शेयर जरूर करना, ये इतना शेयर करना कि लास्ट टाइम की तरह इन लोग को इनका हक मिले। दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का सुबह पे स्वाद रखना। अल्लाह हाफिज़।